रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर के भाटा गांव में जिलेट बार में चोरी हुई है, मोबाइल और कैश लेकर भागे हैं बदमाश। आरोपी का नाम जरहा बताया जा रहा है। चौथी बार आरोपी ने बार में चोरी की है। लॉकडाउन में चोरी की थी, 14 दिनों तक बार में शराब पीता रहा था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रायपुर की तस्वीरें हैं। रायपुर के भाटा गांव में जिलेट बार में चोरी हुई है, मोबाइल और कैश लेकर भागे हैं बदमाश। चौथी बार आरोपी ने ये चोरी की है। लॉकडाउन में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बार में चोरी हुई है और इससे पहले भी 4 बार ये युवक चोरी कर चुका है। जी बिल्कुल, देखिए ये बार बार उसी में दुकान पर शॉप पर चोरी करने घुसता है। और इससे पहले जब लॉकडाउन था उस वक्त भी वहां पर घुसा था और बकायदा उसने शराब भी पिया था। तो ये बार फिर ये जो बदमाश है, आरोपी है जिसका नाम जरहा बताया जा रहा है, उसकी ये सीसीटीवी फुटेज है ये सामने आई है। और ये लगातार इस तरह की घटना को जो अंजाम देता है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और जिले एक बार में चोरी की नियत से घुसा था, मोबाइल और केस लेकर ये बदमाश है जो फरार हुआ है और उसकी सीसीटीवी है वो सामने आई है। इस तरह की चोरी की वारदात को ये लगातार अंजाम देता है और उसका जैसे ही शाम होता है, रात ढलता है, शाम ढलते है, उसके बाद इस तरह की घटना को ये अंजाम देता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खरगोन से बड़ी खबर की बात करते हैं। मिट्टी के खदान धंसने से 2 महिलाओं की मौत हुई है। बरूर थाने के बड़वाली गांव की घटना है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। मिट्टी खोदने के दौरान खदान धंसी है। भोपाल पहुंची है एनआईए की विशेष टीम। आतंकी मॉड्यूल की जांच करने टीम पहुंची है। एसटीएफ की मदद से एनआईए जांच करेगी। हिजबुल तहरीर के आतंकी मॉड्यूल की जांच करेगी। टेरर मॉड्यूल के तहत गिरफ्तार लोगों से पूछताछ भी करेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एनआईए की विशेष टीम भोपाल पहुंची है। आतंकी मॉड्यूल की जांच करने के लिए टीम पहुंची है। एसटीएफ की मदद से एनआईए जांच करेगी। हिजबुल तहरीर के आतंकी मॉड्यूल की जांच की जानी है। टेरर मॉड्यूल के तहत गिरफ्तार लोगों से पूछताछ भी होगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।